जरीपटका पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में सेंध मार कर चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनोने ने अधिक जानकारी साझा की है। मिली जानकारी के अनुसार जरीपटका पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान उन्हें गुप्त सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि समता नगर की एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी करने वाले तीन युवक समता नगर पुलिया के पास खड़े हैं, जिसके आधार पर योजना बनाते हुए पुलिस ने उन तीन युवकों को पकड़ने में यश प्राप्त किया। उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने समता नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 12,000 रुपए की चोरी की है। इस बारे में पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनोने ने अधिक जानकारी साझा की है। जरीपटका पोलीस स्टेशन ला अपक्रमांक 85/21 जानेवारी महिन्यात दाखल घरफोडीचा एक गुन्हा आहे। त्याचप्रमाणे 254/21 या एप्रिल महिन्यात दाखल गुन्हा आहे। मुद्देमाल एकूण गेला होता 12,000 आणि 2,000, म्हणजे एकूण 15 ते 16,000 रुपयाचा मुद्देमाल गेला होता। त्यामध्ये पोलीस स्टेशनच्या डीबी पथकाची हवालदार सुनील तिवारी यांच्या टीमने तपास करून त्यामध्ये आरोपी निष्पन्न केले आहेत। आरोपींची नावं आहेत लोकेश देवानंद कोटांगळे 18 वर्ष, रितिक कटरे 18 वर्ष, आयुष मेश्राम 18 वर्ष। या तिघांनी या घरफोडी केल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। आरोपितांकडून मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। एकूण 7,000 रुपयाचा मुद्देमाल, तसंच एक पल्सर वाहन अंदाजे 1,00,000 रुपये किमतीचे हे जप्त करण्यात आलेलं आहे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी लोकेश कोटांगळे आनंद रोड निवासी, रितिक कटरे समता नगर निवासी और आमोश मेश्राम माड़ा कॉलोनी निवासी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।